for the Haryana police is an act of dissidence on the basis of ideology. Can you come to that conclusion? They should reply. And if they, and if the speaker feels at that point in time that this is a purely ideological issue or there's nothing to do with anything else, why would he disqualify them? So how is any other authority going to decide on what is the nature of that dissidence, if at all it is dissidence? Thank you. Ji, sir, just to add to the list that the dissidents are asking the central government to become a party in this case. just the fact that the relatives of the CM are being raided. No, we know that. We know that. The public knows that. Relatives of the CM raided. The hotel where our registrators are there, that is raided. That some proceedings have started. The application is filed saying that you make central government a party, because naturally they say we are still congressmen, yet the central government must become a party, because as congressmen, we want the central government to become a party. This is really a fight on ideology, I guess. This is a new kind of ideology that I'm learning at the moment. True, sir. Bilal ji, aap dobara sawal puchna chahte hain, bahut zaruri hota hai. Sir, mera Sibal sahab, mera sawal hai jo maujooda rajneetik prasthiti hai. और जिस तरह से आप उसका बार बार व्याख्यान कर रहे हैं, बार बार उसको गहराई से बता रहे हैं, तो आपको लगता है केंद्र सरकार का विपक्षीय और सिर्फ कांग्रेस नहीं, अन्य सरकारों के प्रति भी जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, उनका रवैया बिल्कुल प्रशासनिक रूप से सरकारी आतंकवादी है? नहीं, इतनी मैं देखिए ऐसा है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसी बात करूं. आप कर सकते हैं क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपको शायद सिडिशन से डर नहीं, लेकिन ऐसा है कि अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो कल कोई ना कोई 124A की याचिका डाल के मुझे कह देगा कि मैं भी सिडिशनिस्ट हूं. तो मैं इसकी ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि जो जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो बदल चुकी है. थैंक यू सर. द लास्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी सनमार्ग. Can you hear Meenakshi ji? Yeah, sir. Sir, Ram Mandir ke liye 5 tarikh ko ye log ja rahe hain. Aaj sare desh bhar se mitti leke aaye hain. Aur is corona ke kaal mein bhi ye Ram Mandir ke liye unhone bola hai. Ya sarkar ne to sare mandire khol diye hain. Aur Ram Mandir mein kya hai? Ab wo khud hi bol rahe hain ki ye corona yahan pe stand nahi karta kyunki yahan pe bheed hoga. Iske bare mein mujhse kyun sawal pooch rahe hain? Jinki aastha hai, unko jo man mein aaye wo kare. हम उसके खिलाफ थोड़ी ना है. हम क्यों, हम किसी, हम उस आस्था के खिलाफ नहीं है. उस आस्था से हम जुड़े भी हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है. और जो इस स्थिति में जो भी उस मंदिर के प्रति करना चाहता है, हम उस पर विरोध नहीं कर सकते और ना करना चाहिए. पर अभी अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी सर फैसला आया कि उन्होंने भी हस्तक्षेप करने से मना किया इस मामले. नहीं, वो ठीक है, वो देखो अदालतें तो फैसले करती रहेंगी, उसके हमें कुछ नहीं कहना. हमें तो सिर्फ फिक्र है आज के दिन कि हमें ऐसा लगता है कि जो संविधान बना था वो किसी और नियत से बना था, और जो संविधान आज जिस तरह से उसको उसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो किसी और नियत से किया जा रहा है. जी सर, हमारी सवालों की फेहरिस्त खत्म हुई. ब्रीफिंग की शुरुआत आपने संविधान की मर्यादा से की, आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात कही, आपने बताया कि गवर्नर साहब बाध्य हैं, उनका कर्तव्य है कि कैबिनेट के डिसीजन को वो माने, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपालों को चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. आपने महाराष्ट्र, आपने मध्य प्रदेश कोरोना के संकट के दौरान जहाँ की सरकार गिराई गई, आपने गोवा की बात करी जहाँ की कांग्रेस की विधायकों की संख्या अधिक थी लेकिन दूसरी पार्टी को मौका दिया गया. आपने कहा कि शायद लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है. वकीलों में निराशा की बात की, पैसों के का इस्तेमाल हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, और विधायकों को हेलीकॉप्टर में बिठा करके रातों रात गायब कराया जा रहा है, और डाइसेंट होने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, CBI की, इनकम टैक्स की, NIA की, UAPA की. 5 जजों के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसलों को हाईकोर्ट के जज नहीं मान रहे, उन्हें उलट दे रहे. And you ended up by saying that perhaps it's time for us to go to the people. I hope, sir, that
it's a cumulative responsibility. Press as the fourth pillar takes up its responsibility, takes up our cause and reports in fairness and with prominence and makes it a issue of the people. Thank you very much for taking your time, sir. Thank you everyone for joining. Thank you. Namaskar.